चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। आज हमारे यहाँ भी ऐसा ही राजा बैठा है कि एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके वो अपनी सत्ता कायम करना चाहता है साथ। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही जो भाईचारा देखने को मिल रहा है उसकी हवा यहाँ तक भी पहुँच गई है। अगर सरकारें नहीं मानेगी तो आंदोलन फिर उठ खड़ा होगा, असर तो उसका दिख रहा है। और किसान अब भाजपा को वोट नहीं करेगा। जो आपको ये अधिकार प्राप्त हुआ है उसको ये खत्म कर देना चाहते हैं हमारे दलित पिछड़े भाइयों को। और ये तो सीधे तौर पे है, और जो अप्रत्यक्ष रूप में ये खत्म करने जा रहे हैं, सारी चीजों का निजीकरण करने जा रहे हैं, चाहे वो आपकी रेल हो, आपको हरे रंग के डिब्बे मिल जाएंगे, अगर आप बाहर जाएं तो उस पे अडानी लिखा होगा, आप अगर लखनऊ में जाएं तो एयरपोर्ट के बोर्ड पे भी अडानी लिखा है, एयरलाइंस जो है वो टाटा के पास चली गई है, ऐसी तमाम संस्थान उपक्रम हैं जो इन्होंने निजी हाथों में सौंप दिए हैं, और बैंक का निजीकरण करने की तैयारी है साथियों। ये स्वास्थ्य शिक्षा इस सारी चीजों का निजीकरण कर देना चाहते हैं, और आप ये जानते हैं कि जब चीजें प्राइवेट हो जाएंगी, ये नौकरियां देने वाले सारे संस्थान जो है प्राइवेट हो जाएंगे, निजी हाथों को सौंप दिए जाएंगे, तो आरक्षण अपने आप खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों को धर्म के आधार पे बांट कर वोट हासिल किया जाता है। ये दुनिया में कोई भी तानाशाह रहा हो वो हमेशा एक कम्युनिटी को टारगेट करता है, उसका जीता जाता उदाहरण हिटलर था, जिसने यहूदियों को टारगेट किया और अपनी सत्ता कायम की और पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया। आज हमारे यहाँ भी एक ऐसा ही राजा बैठा है कि एक खास कम्युनिटी को टारगेट करके वो अपनी सत्ता कायम करना चाहता है। साथियों, हमको इससे सावधान रहना चाहिए। सीसीए चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे साथ अभी लखीमपुर खेरी में पलिया विधानसभा के सपा प्रत्याशी प्रीतिंदर सिंह कक्कू जी हैं। प्रीतिंदर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी धन्यवाद। प्रीतिंदर जी, कैसा रिस्पांस आ रहा है अभी चुनाव प्रचार में आपका? नहीं, बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है जी, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी विकास पुरुष हैं, और पिछली 5 साल की सरकार देखी है लोगों ने, तो विकास के नाम पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मुख्य रूप से, क्योंकि लखीमपुर खेरी और खास करके पलिया सीट कई कारणों से कहीं ना कहीं स्पॉटलाइट में आई हुई सीट है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण एक घटना भी हुई थी कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले, किसान आंदोलन के दौरान, जहां पर एक गाड़ी के नीचे लोगों को कुचला गया था। कैसा आप उसका क्या एक प्रभाव इस चुनाव में देख रहे हैं? देखिए, उसमें पूरा पूरा प्रभाव है। किसानों का गन्ने का पेमेंट नहीं हुआ, धान की फसल नहीं बिकी, बाढ़ आ गई तो उसका मुआवजा नहीं मिला, तो तमाम तरीके की मुसीबतों से किसान गुजर रहा था। और फिर उसके ऊपर कृषि कानून आ गए, तो उसमें भी यहाँ के लोगों ने, किसानों ने भी उस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, तो किसान तो यहाँ का बहुत बुरी तरीके से सरकार से नाराज है, तो उसका इफेक्ट मिलता, गन्ने का पेमेंट भी नहीं हुआ, तो किसान बहुत नाराज है, उसका भी असर है इस चुनाव में, इसलिए सरकार की नाराजगी की वजह से भी लोग हमारे साथ हैं। आखिरकार यहाँ पर एक और जो बड़ा हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी जी ने ऑलरेडी 80 बनाम 20 के नारे भी दे दिए हैं, कई जगह हिंदू बनाम मुसलमान, और यहाँ पर भी देखा जा रहा है कोशिशें की गई थी हिंदू बनाम सिख इस चुनाव को बनाने की। आपको लगता है कि जनता इसको नकारेगी? किन मुद्दों पर जनता वोट देगी? जनता ने बिल्कुल नकार दिया है। भाजपा वाले इसको कराने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं, हिंदू सिख हो जाए, हिंदू मुस्लिम हो जाए, मगर जनता भी इनको समझ चुकी है। ये जो मूवमेंट इन्होंने हिंदू मुसलमान की पश्चिमी उत्तर प्रदेश से शुरू की थी, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ही जो भाईचारा देखने को मिल रहा है उसकी हवा यहाँ तक भी पहुँच गई है, और लोग भाजपा के असली चेहरे को पहचान चुके हैं, इसलिए हिंदू सिख मुसलमान की अब कोई बात यहाँ पे नहीं है। प्रीतिंदर जी, यहाँ पर किसानों के साथ साथ एक बहुत बड़ा सेक्शन है जो कि एक हाशिए पर
जिन भूमिहीन मजदूर भी हैं और यहाँ पर थारू समाज के भी लोग हैं, किस तरह के मुद्दे आप लोगों के बीच में लेकर जा रहे हैं? देखिए, मजदूरों के लिए इस सरकार ने कुछ नहीं किया, खाली थोड़ा सा फ्री राशन देकर उनको बेवकूफ बनाया गया है। और आज तक इस सरकार ने मजदूरों की हित की कोई भी बात नहीं की, हालांकि जो श्रम कानून पहले से मजदूरों की हितों की रक्षा करते थे उनको भी उन्होंने खत्म करने का काम किया है। थारू क्षेत्र की समस्याएं हैं, थारू क्षेत्र में एक तो उनको भूमदरी का अधिकार नहीं है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली अगर जाती भी है तो रोजाना कोई ना कोई आंधी में पेड़ गिर जाता, वहां तक पहुंचती नहीं है, टावर की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। समाजवादी सरकार में एक बड़ा हॉस्पिटल बना हुआ जिसमें आज तक कोई भी डॉक्टर नहीं आया है, तो थारू क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है। कुछ समस्याओं के बारे में जैसे जमीन के भूमदरी राइट के बारे में, तो अभी माननीय अखिलेश यादव जी कल ही आए थे यहाँ पे, तो उस पर मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने घोषणा भी की है कि अगर सरकार बनती है तो जो इस तरीके की ज़मीनें हैं या जंगल से जिन जमीनों का विवाद है उसको प्राथमिकता के आधार पर हल किया जाएगा और भूमदरी अधिकार दिया जाएगा। गन्ना क्षेत्र की बात करें और यहाँ पर भी कई लोग गन्ना उगाते हैं और गन्ने पेमेंट को लेकर जनता बहुत परेशान रही है, किसान बहुत परेशान रहे हैं, गन्ना किसान, उसको आप हैंडल करने के लिए, सेटल करने के लिए आप क्या? देखिए, गन्ने की पेमेंट में चाहे गोला शुगर फैक्ट्री हो, चाहे पलिया शुगर फैक्ट्री हो, चाहे संपूर्णा नगर शुगर फैक्ट्री हो, उन्होंने गन्ने का पेमेंट बिल्कुल नहीं दिया और किसान साल साल भर हो गया, किसान इतना परेशान हो गया कि वो तीनों ही फैक्ट्रियों पे कई कई महीनों तक आंदोलन में बैठा रहा, सोसाइटी के गेट पे आंदोलन में बैठा रहा, तब भी पेमेंट नहीं मिला। माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने घोषणा पत्र में ये घोषणा की है कि हम एक पेमेंट के लिए रिवॉल्विंग फंड बनाएंगे जिससे किसानों का भुगतान गन्ने का 14 दिन में कर दिया जाएगा और सरकार की जिम्मेदारी होगी कि वो अपना गन्ना मिलों से पैसा अपना वसूलती रहेगी जब भी वो वसूल पाए, मगर काश्तकार का पैसा उस रिवॉल्विंग फंड से 14 दिन में कर दिया जाएगा। कई जगह राष्ट्रीयकरण की भी बात हुई है मिलों की, क्या आप उसके पक्ष में हैं? नहीं, राष्ट्रीयकरण की बात मिलों की राष्ट्रीयकरण के पक्ष में तो हम नहीं हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो मिलें हमारे यहाँ चल रही हैं अगर वो अच्छी मिलें हैं, ऐसा नहीं है कि वो पैसा नहीं दे सकती, मगर सरकार की निष्क्रियता की वजह से वो पैसा नहीं दे रही। आखिर में मैं ये पूछूंगा कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल जो किसान आंदोलन में उठा था, जो बाद में ये वायदा भी किया गया था सरकार की तरफ से जब किसान उठे थे वहाँ पर अपना मोर्चा लेकर, कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक कमेटी बनाई जाएगी, उस पर बातचीत, लेकिन उसका कुछ सामने नज़र नहीं आया अभी तक सरकार की तरफ से। क्या सपा सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कुछ एक गारंटी देती है किसानों? देखिए, हमारे घोषणा पत्र में तो ये कहा गया है कि MSP की गारंटी दी जाएगी, मगर ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये केंद्र सरकार का अगर इसमें अच्छा रोल नहीं रहेगा तो उसमें दिक्कतें आएंगी, मगर फिर भी माननीय अखिलेश यादव जी ने ये घोषणा की है कि हम MSP की गारंटी कम से कम उत्तर प्रदेश में जरूर देंगे। आखिर में बहुत बड़ा किसान आंदोलन हुआ, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं, और लखीमपुर खेरी और पूरा ज़िला ही, लखीमपुर खेरी, पलिया, साथ में पश्चिम उत्तर प्रदेश, तो एक बहुत बड़े रूप से ये सब प्रभावित हुए थे इस गन्ना, इस पूरे किसान आंदोलन से, क्या आप उम्मीद कर रहे हैं कि उसका कुछ असर इस आंदोलन में भी, इस चुनाव में भी देखने को मिलेगा? जी, उसका असर पूरा है, किसान आंदोलन का पूरा असर इसमें है, क्योंकि किसान एक इस आंदोलन से जो सबसे बड़ी चीज हुई है कि पूरे भारतवर्ष का किसान जो है वो संगठित हुआ है और उसकी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं वो सारी मजबूत हुई हैं, वो सरकार को झुकाने का, उनसे लड़ने का मादा रखता है। अगर सरकारें नहीं मानेगी तो आंदोलन फिर उठ खड़ा होगा, असर तो उसका दिख रहा है और किसान अब भाजपा को वोट नहीं करेगा। ये थे प्रीतेंद्र सिंह कक्कू जी, जो ये कह रहे हैं इस बार की चुनाव हिंदू मुस्लिम, हिंदू सिख, 80 बनाम के नारों पर नहीं होगा बल्कि लोगों की रोजी रोटी के मुद्दों पर होगा। जुड़े रहे हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रीतेंद्र सिंह।